वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ का पर्यावरण का जो हमारा पार्ट था, शरीर के आंतरिक भाग, उसका दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं हम। तो हमने क्या जाना था, हमारे शरीर में हमेशा कोई आंतरिक भाग होते हैं। अब कुछ तो ऐसे भाग होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, त्वचा हो गई, ये सब हमारे क्या है, बाहरी भाग है। अब हम आंतरिक भागों के बारे में बात कर रहे थे। आंतरिक भागों के बारे में हमने क्या देखा था, आंतरिक भागों की सुरक्षा कौन करता है। सबसे पहले आ जाती है हमारी यहाँ पर पे त्वचा आ जाती है सबसे पहले। इसके बाद क्या आती है, इसके अंदर आती है हमारी मांसपेशियां। फिर इसके बाद क्या आ जाती है हमारी, हमारा जो कंकाल है वह आ जाता है। और इसके बाद जो आते हैं हमारे आंतरिक भाग आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने ये क्या देख लिया यहाँ पे, कैसे किस किस चीज के नीचे क्या क्या आता है। अब जो हमारे आंतरिक भाग आते हैं हम उसकी बात कर रहे थे। हमने अभी तक कितने आंतरिक भाग पढ़े थे, हमने पढ़े थे हमारे जो मस्तिष्क है और हमारा जो हृदय है उनके बारे में पढ़ा था। फिर आपको गृह कार्य दिया गया था लाल वाली जो कोशिकाएं हैं उनका आपको कार्य बताना है। हमने क्या कार्य देखा था, वो क्या करती है, जो है हमारा ऑक्सीजन प्रदान करती है। फिर हमने श्वेत वाली का देखा था कि वो हमें रोग से लड़ने में मदद करती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके आगे के जो हमारे आंतरिक भाग है हम उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो अब हम आज पहला भाग कौन सा देख रहे हैं, हम फेफड़ों के बारे में देख रहे हैं, हम उनके बारे में आज थोड़ा सा जानते हैं। अब हमारे शरीर में क्या होता है, एक जोड़ी होते हैं, एक नहीं होता, ये जोड़ी में होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े हैं। जो वायु हम श्वसन में अंदर लेते हैं, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम वायु अंदर लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, फेफड़े उस वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन लेते हैं और देते हैं और हमारे शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचा भी देते हैं। अब हमने देखा जो हमारे फेफड़े हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसे थोड़ा सा प्योरीफाई साफ करते हैं और क्या करते हैं, जो शरीर के अलग अलग भाग है उसमें दे देते हैं। हमने ये जाना था हमारा शरीर किससे बना है, ऑक्सीजन और पानी से। अब हम देखते हैं रक्त उपयोग की गई वायु को फेफड़ों से वापस भी लाता है। रक्त उपयोग, अब हम बोल रहे हैं जो हमारा लाल जो थे, लाल कोशिकाएं थी, वह उपयोग करते हैं उसका, फिर उससे क्या करते हैं, वो फेफड़े पे वापस भी वायु ले आते हैं। अब हम देखेंगे हमारा मुंह और नाक द्वारा जो क्या है, बाहर निकाल दी जाती है, जो कार्य में नहीं आती, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वह क्या करते हैं, वह बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे देते हैं, जो काम की नहीं होती वह उसे बाहर दे देते हैं। ओके, हमने क्या पढ़ा, ये फेफड़ों का कार्य पढ़ा। अब हम देखते हैं हम एक दिन में लगभग कितनी बार सांस लेते हैं, यहाँ देखिए कितना लिखा है, 23,000। एक दिन में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 23,000 बार सांस लेते हैं। और एक दिन में एक मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, हमने देखा था 72 बार। अब हम देखते हैं, अब अमाशय का हम कार्य देख लेते हैं, अमाशय क्या कार्य करता है हम उसके बारे में देख लेते हैं। ये सर्वाधिक तथ्य है कि हम भोजन खाते हैं क्योंकि हमें ऊर्जा देता है। हमने भोजन के बहुत सारे लाभ देखे थे, सबसे पहला क्या था, ये क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है, यानी कि किसी भी काम करने की जो हमारी क्षमता है उसे बढ़ाता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। जो भोजन हम निगलते हैं वो हमारे अमाशय में स्थित एक नली में जाता है। अब हमारे अमाशय में कैसे जाता है, एक नली होती है यहाँ पर, फिर आपकी जो नेक है इसके अंदर पे, इस नली से कहाँ जाता है, ये अमाशय में जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अमाशय भोजन को लुगदी के रूप में परिवर्तित कर देता है, यह पाचक रसों और अम्लों का उत्पादन भी करता है। अब अमाशय का हमारा जो है यहाँ पे काम बताया जा रहा है, कार्य बताया जा रहा है कि ये क्या करता है, जो पाचक रस है और अम्ल है उसका क्या करता है, ये उत्पादन करता है, उन्हें ये बनाता है अपने अंदर, जो भोजन को घोलते हैं। अब क्या करता है, अब भोजन अंदर जाता है तो उन्हें घुलवाता कैसे, कैसे घोलता है वो शरीर के अंदर, जो हमारे अमाशय है और जो पोषक पाचक रस है, अम्ल है, उसका क्या करता है, ये उसे घोलने में मदद करता है। किसका उत्पादन करता है, हमारे अम्ल जो अम्ल है और पाचक रस है उसका उत्पादन करता है। के बाद हम देखते हैं, इसके बाद तब यह भोजन आंतों में भेज दिया जाता है। तब हम यहाँ लाइन वाइज पढ़ रहे हैं कि क्या काम होता है, तब ये क्या, यहाँ पे सारा खाना इसने घोल दिया अपने साथ, जो उसके रस थे उसने घोल दिया। अब ये कहाँ भेजेगा, अब ये भेजेगा छोटी आंत में, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, छोटी आंत में जाएगा ये। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में।
हम देखते हैं छोटी आंत में भोजन फिर से टूटता है। हमने क्या देखा था, ये इसे घोलने की कोशिश करता है, जो इसके अमल है उसका उत्पादन करके क्या करता है, घोलने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पे छोटी आंत में आके वो फिर से टूटता है, रक्त पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्वों के रूप में जाता है। अब देख रहे हैं हमें भोजन क्या कर रहा है, यहाँ पचा रहा है, तो अब क्या कर रहा है, जो रक्त है वो सभी पोषक तत्वों के रूप में बाहर जाता है, जिन्हें आंत की दीवारों से अवशोषित किया जाता है। अब इसकी जो दीवारें, हमने छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में हम पढ़ने वाले, इसकी दीवारों में क्या अवशोषित किया जाता है, इसे भोजन का अवशोषण कहते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बोलते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे बड़ी आंत के बारे में, हम पढ़ते हैं इसका क्या कार्य है। बड़ी आंत का कार्य पढ़ रहे हैं अब हम, भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। हम ऐसे लाइन वाइज पढ़ रहे थे, पहले हमारे माशे से किसमें आया, अब आया हमारी छोटी आंत में, इसके बाद किधर आया, ये आया हमारी बड़ी आंत में, भोजन छोटी से बड़ी आंत में आ गया। अब बड़ी आंत जल व खनिज लवणों को अवशोषित करती है। अब जो जल है, जो द्रव्य है और हमारा जो खनिज लवण है, उसका क्या करती है, उसका भी ब्रेकडाउन करती है, उसको भी अवशोषित करती है और इसे रक्त में भेज देती है, उसको खून में भेज देती है, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन दे रहा है रेड ब्लड सेल उसमें भेज देती है। भोजन का वह भाग जिससे हमारा शरीर उपयोग नहीं कर सकता, वह गुदा द्वारा हमारे शरीर द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। जो वेस्ट होता है, जिसका ये यूज नहीं कर सकते, जो ब्लड यूज नहीं कर सकता बॉडी के लिए खाना बनाने में, उसे क्या है, यह शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वृक्क के बारे में। हमारे उदर में सेम के बीज के आकार के दो वृक्क पाए जाते हैं। इधर भी पैर में पाया जा रहा है, इससे पहले हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फेफड़े देखे थे पैर में। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं वृक्क की। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पानी है और बाकी के जो द्रव्य है, पदार्थ है, उसे क्या रक्त में से छान देते हैं और फिर क्या करते हैं, ये उसे भी जो शरीर है उसे बाहर निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या है। हमें इन अंगों के प्रति सचेत रहना चाहिए, हमें हमारे शरीर के जो अंग है उनके बारे में पूरा पता रहना चाहिए। भोजन को वापस पचने में 6 घंटे लगते हैं, हम देख रहे हैं कोई भी भोजन हम खाएं उसके पचने में कितना समय लगता है, 6 घंटे लगते हैं हमें। इसलिए हमें बार बार खाना नहीं खाना चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं खाना चाहिए। तो हमने किन किन भागों के बारे में पढ़ा, किन किन आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा हृदय के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, फेफड़ों के बारे में, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और वृक्क के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। रक्त में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं और श्वेत रुधिर कोशिकाएं। लाल वालों का क्या कार्य देखा था हमने, जो हमारा शरीर है उसमें क्या करेगा, ये हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वह प्रदान करता है। अब ये देखते हैं हम श्वेत वाला के क्या कार्य है, श्वेत वाले का कार्य है रोगों से लड़ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमने क्या देखा था, पाठ में हमने देखा था सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं हम दो भोजन भोजन व काश के माध्यम से कम 6 घंटे का अंतराल रखना चाहिए। हमने देखा था कि हम भोजन करते हैं उसे पचने में कितना समय लगता है, 6 घंटे लगते हैं, तो हमें कितना बीच में अंतर रखना चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे का अंतराल रखना चाहिए भोजन में। अब हम यहाँ देखेंगे सही विकल्प चुनिए। डैश, हवा से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। हमने क्या देखा था, हवा से ऑक्सीजन कौन अंदर लेता है, हमने किसका कार्य देखा था, कार्य फेफड़ों का है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था, कितनी होती है, 206। अब हम इधर एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिला देंगे। अब हम देखेंगे हृदय क्या कार्य करता है, हृदय रक्त को पंप करता है। अब हम आंत का कार्य देखेंगे, हमारे आंत का कारण क्या है, भोजन को जो है वो अवशोषित करती है। फिर हम देखेंगे हमारे मस्तिष्क का कार्य क्या है, हमारे मस्तिष्क का कार्य क्या था, हमारे शरीर को जो है वह नियंत्रण करना। फिर हम फेफड़ों का देखेंगे, फेफड़ों क्या करते हैं, वह ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। अब वृक्क का क्या है, व्यर्थ पदार्थ को छानना, ये हमने देखा ही था आखिरी में, वृक्क क्या करता है, व्यर्थ जो पदार्थ है उन्हें छानता है। सही और गलत का हमें निशान लगाना है अगले में। हम भोजन खाते हैं क्योंकि यह हमें ऊर्जा देता है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ये करेक्ट है। हम सभी के शरीर में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, ये भी करेक्ट है, एक जोड़ी फेफड़े हैं।
हमारे शरीर में गति के लिए 650 मांसपेशियां होती है, तो हमने कितनी पढ़ी थी, कितनी होती है पूरी 650 होती है। खोपड़ी मस्तिष्क की सुरक्षा नहीं करती। अब ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि हमने देखा था मस्तिष्क की सुरक्षा कौन सा भारी भाग करता है, हमारी खोपड़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं कोष्टक में दिए गए शब्दों को हमें रिक्त स्थान से भरना है। जो भोजन हमारा शरीर प्रयोग नहीं कर सकता वो डैश के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब हमने क्या देखा, वो गूदे के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सभी संदेश डैश द्वारा पहुंचते हैं। हमने क्या देखा था, शरीर में मस्तिष्क के संदेश कौन पहुंचाता है, हमारी जो तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 यानी कि 72 बार धड़कता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे आमाशय भोजन को लुगदी में क्या करता है, लुगदी में बदलता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक दिन में हम 10 बार सांस लेते हैं, तो हमने क्या देखा था, 23,000 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, हमने क्या देखा था कितनी है, हमने देखा था हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। अब हम देखेंगे कौन सी गैस रक्त को शुद्ध करती है, हमने क्या देखा था ऑक्सीजन जो गैस है हमारे रक्त को, ऑक्सीजन रक्त को क्या करती है, रक्त को शुद्ध करती है, रक्त को शुद्ध करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्या है, कौन सा अंग रक्त को संचारित करता है, कौन सा अंग है, हमने क्या पढ़ा था, क्या मस्तिष्क करता है या हृदय करता है, कौन सा आंतरिक अंग, हृदय रक्त को क्या करता है, पूरे शरीर में भेजता है, हृदय रक्त को संचारित करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है। अब हमने हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है, हड्डियों का ढांचा क्या होता है, हड्डियों का ढांचा होता है हमारा, हड्डियों का ढांचा कंकाल होता है, कंकाल कहलाता है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स क्या देखने वाले हैं, वृक्क की आकृति कैसी होती है, वृक्क की आकृति का आपको अगर डायग्राम बनाना है, वृक्क की आकृति का डायग्राम हमें किस पेज पे दिया है, ये देखिए इसका डायग्राम आपको यहाँ से देख करके बनाना होगा। ये देख कितने कोष्टकों में विभाजित है तथा कोष्टक क्या कहलाते हैं। अब हमने देखा जो हमारा हृदय है, हृदय 4 भागों में क्या है, कितने भागों में, कितने कोष्टकों में, भागों में विभाजित है। अब हमने देखा था कितने भागों में विभाजित है, हमने देखा था 4 भागों में विभाजित है। अब हमने इन 4 भागों के नाम क्या देखे थे, हमने देखा था क्या बोलते हैं, आलिंग और निलय कहते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, आलिंग और निलय। अब हमने क्या देखा था, तो इन्हें क्या बोलते हैं, आलिंग और निलय। अब हमने बताना था यहाँ पे कि हृदय जो है कितने कोष्ठक में विभाजित है, 4 में, और उनका नाम क्या होता है, आलिंग और निलय। इन दो दो जगह है, जैसे लेफ्ट साइड में 2 है उसे आलिंग बोल देंगे और राइट में 2 है उसे क्या बोलेंगे, हम निलय बोलेंगे। तो हमने ये देखा, और जो चौथा प्रश्न है उसका उत्तर आपको कैसे करना है, हमारी जो बुक है उसमें क्या दिया है, हमारी जो किताब है यहाँ पे उसमें वृक्क की जो है हमें आकृति दी गई है, हमें जो डायग्राम है वो दिया गया है, तो उसको आपको अपनी नोटबुक्स में बनाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन है इनको तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना ही है, क्योंकि ये चेक होने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा आज आंतरिक भागों के बारे में, कौन कौन से पढ़े, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, वृक्क, छोटी आंत, बड़ी आंत और अमाशय, हमने इन सब के बारे में पढ़ा। आपका गृह कार्य क्या है, इन सभी के जो आपके कार्य है सभी के उसको आपको लिखना है, आपको अच्छे से उसको स्मरण करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।